खंडवा में गौवंश के मांस को लेकर गुरुवार रात हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर दो लोगों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। मोगढ़ थाना प्रभारी ब्रज भूषण हिरवे के अनुसार थैले में मांस भरकर ले जा रहे शहीद पिता गनी और शेख शादाब पिता शेख मुबारक निवासी ग्राम सिहाड़ा को पकड़ा, जिनके थैले से 32 किलो मांस मिला है, जिसके सैंपल लिए गए हैं। यह मांस गौवंश का है या किसी अन्य मवेशी का, जांच पश्चात कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बजरंग दल जिला संयोजक आदित्य मेहता ने बताया कि एक पिकअप वाहन और बाइक सवार में लोग गौमांस लेकर जा रहे थे। कार्यकर्ताओं ने पीछा कर बाइक सवार को तो पकड़ लिया, लेकिन पिकअप वाहन के साथ अन्य आरोपी भाग निकले। पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से एक पिकअप और एक टू व्हीलर पर गौमांस ले जाया जा रहा था इमलीपुरा से। वहां पर खड़े कार्यकर्ताओं के द्वारा जब पिकअप से गौमांस गिरा तो कार्यकर्ताओं ने देखा और रोका, तो पिकअप तो वो ले सामने वाला लेकर निकल गया। टू व्हीलर पर दो गो तस्कर पकड़ाए जो गौमांस लेकर जा रहे थे। वहाँ पर गौमांस अभी नीचे गिरा हुआ भी है। कुल चार गो तस्कर पकड़ाए जो गौमांस लेकर सियाड़ा की ओर जा रहे थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें वहाँ पर पकड़ा है और अभी रामेश्वर चौकी पर इनको लेकर आए।